प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में आपको केवल वॉइस सुनाई देता है, आप लीड लगाकर अपने तैयारी को अदर वर्क करते समय भी जारी रख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे फाइलम टीनोफोरा के संबंध में। फाइलम टीनोफोरा जो है एक माइनर फाइलम है, बहुत छोटा फाइलम है, माइनर फाइलम है, जिसमें जो जंतु रहते हैं, जो एनिमल रहते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। टीनोफोरा में जो भी इंडिविजुअल रखे गए हैं क्या है? मैराइन होते हैं। इनमें के कौन से है? सी वॉलनट और काम जेलीज जो फिशेज होती है, काम जेली और सी वॉलनट जो इसमें इंडिविजुअल रखे गए हैं। इसमें क्या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू ग्लैंड लेवल होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? टिश्यू ग्लैंड लेवल होता है और विदाउट निमेटोसिस्ट होता है, और इसमें निमेटोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल होता है। इसके पहले हम सिलेंटेटा निरेरिया का देखे थे, उसमें टिश्यू लेवल होता था लेकिन उसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता था, लेकिन इसमें निमेटोसिस्ट विदाउट निमेटोसिस्ट होते हैं। इनमें जो है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होता है विदाउट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन विदाउट निमेटोसिस्ट पाया जाता है, विदाउट निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। ये जंतु जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड बायरेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बायरेडियल सिमेट्रिकल, बायरेडियल मतलब बाय बाय रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बाय रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बाई लेटरल प्लस रेडियल दोनों प्रकार के होते हैं, बाई लेटरल और रेडियल दोनों कंडीशन इसमें पाई जाती है। दोनों इंटरमीडिएट स्टेज कहा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट स्टेज इन्हें बोला जाता है। इसके बीच का डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के बीच का इंटरमीडिएट जो है इनका स्टेज बोला जाता है। इन बॉडी स्ट्रक्चर इनका कैसे होता है? मोर सिमिलरिटी किसके जैसे होता है? सिलेंट्रेट के जैसे होता है। और बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है मोर सिमिलरिटी जो होता है या सिलेंट्रेट के जैसे होता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है जेली लाइक, देखिए इसमें जेली लाइक एक मेजोग्लिया पाया जाता है, जेली लाइक इसमें मेजोग्लिया पाया जाता है। कॉन्टिन्यू नर्व फाइबर पाया जाता है, उसमें कॉन्टिन्यू क्या है? नर्व फाइबर पाए जाते हैं, मसल सेल पाए जाते हैं एंड एमिबोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। इनमें एमिबोसाइट, मसल सेल्स, नर्व सेल्स भी पाई जाती हैं। सबसे मुख्य स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, इनमें जो है सीलिएटेड एट काम्ब, मतलब एट काम्ब लाइन, इनमें जो है आठ मतलब एट काम्ब लाइन प्लेट पाई जाती है। एट सीलिएटेड एट काम्ब लाइक प्लेट पाई जाती है जो मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनमें सीलिएटेड एट काम्ब लाइक मतलब आठ काम्ब लाइक प्लेट पाई जाती है जो लोकेशन में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें। यह जो है काम कैप्चर प्रे, प्रे को पकड़ने में हेल्प करता है। टीनोफोरा काम बैरियर होता है, काम बैरियर होता है, काम 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 स्प्लेट इसमें पाई जाती हैव स्टिकी सेल्स कार, इनमें स्टिकी सेल्स पाई जाती हैं जिसे कैलोब्लास्ट कहते हैं, कोलोब्लास्ट कहते हैं। इसमें स्टिकी सेल्स पाई जाती हैं जिसे कोलोब्लास्ट, काम प्लेट पर स्टिकी सेल्स पाई जाती है जिसे कोलोब्लास्ट कहते हैं। इनमें डाइजेशन कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, जिस प्रकार से सिलेंटेटा में पाया जाता है। डाइजेशन इसमें कैसे होता है? बोथ टाइप्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। बाय कुछ ऐसे इंडिविजुअल जो बायोलुमिनेसेंस होते हैं, बायोलुमिनेसेंस होते हैं मतलब प्रकाश उत्पन्न करने वाले होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं एंड रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल मीन्स। देखिए क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू सेक्सुअल मीन्स, इनमें रिप्रोडक्शन जो केवल सेक्सुअल के द्वारा होता है, ओनली सेक्सुअल मेथड से होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? केवल सेक्सुअल मेथड से होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट, देखिए फर्टिलाइजेशन में कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट थ्रो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब होता है इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। साइडीपाइड लार्वा पाया जाता है। इसमें लार्वा किस प्रकार का होता है? साइडीपाइड लार्वा पाया जाता है। टीनोफोरा में साइडीपाइड लार्वा पाया जाता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टीनोफोरा इज करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, टीनोफोरा में क्या प्रेजेंट होता है? टीनोफोरा में जो होता है करेक्टरिस्ट का क्या होता है? कोलोब्लास्ट पाया जाता है। इनमें क्या होता है? कोलोब्लास्ट पाया जाते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक लक्षण होता है। जबकि मेजोग्लिया भी होता है लेकिन करेक्टरिस्टिक लक्षण पूछा जाए तो कोलोब्लास्ट होता है। निमेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है, मेड्यूसा नहीं पाया जाता है, मेजोग्लिया पाया जाता है लेकिन कोलोब्लास्ट जो होता है इसका करेक्टरिस्टिक करेक्टर होता है। टीनोफोरा आर इज बेस्ट डिफाइंड एज, टीनोफोरा को हम किस प्रकार से अच्छे रूप से जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, टीनोफोरा को हम लोग किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है,
एंड बाई 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 रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, बाई रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। हिच अगला क्वेश्चन, हिच वन इज द ट्रू फॉर टिनोफोरा, टिनोफोरा के लिए इसमें से क्या सही है, तो इसमें क्या रहा है, डिप्लोब्लास्टिक होता है गलत है, नेमेटोसिस्ट होते हैं गलत है, डिप्लोब्लास्टिक, हाँ डिप्लोब्लास्टिक सही है, ऑर्गन ग्रेड सिस्टम नहीं पाया जाता, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इसमें से सही क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ फाइलम टिनोफोरा मूव अबाउट बाय मीन्स ऑफ, द मेंबर ऑफ फाइलम टिनोफोरा मूव अबाउट बाय मीन्स ऑफ, वो मूवमेंट करता है किसके द्वारा करते हैं, जैसे टिनोफोरा में जो मूवमेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है, ना कि ना तो इसमें मसल्स कंट्रक्शन होता है, प्लेक्टोनिक करंट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिन फ्लेक्सिक्स होता है, कॉम्प्लेक्स पाक के द्वारा क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसमें टेन पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कितनी होती है, 10 पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टिनोफोरा प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स में क्या है, सीलिया पाया जाता है, सीलिया फॉर लोकोमोशन, उसमें जो सीलिया के जैसे स्ट्रक्चर होती है वो क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन पे हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स ऑफ हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव कंबाइंड बायलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री, देखिए दोनों सिमेट्री इसमें किस में पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाए बायलेटरल एंड रेडियल दोनों सिमेट्री किस इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे टिनोफोरा इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, टिनोफोरा में दोनों कॉम्बाइन बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों कंडीशन पाई जाती है टिनोफोरा में बायलेटरल और रेडियल दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है टिनोफोरा में। आपसे पूछा जाए केवल एक ऐसा ही फाइलम है टिनोफोरा का जिसमें बायलेटरल और रेडियल दोनों सिमेट्री पाई जाती है। इंटरमीडिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, देखिए इंटरमीडिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर इज फाउंड, किसमें पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है, तो टिनोफोरम में, देखिए टिनोफोरम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर इंटरमीडिएट पाया जाता है, इंटरमीडिएट जो है सिमेट्री भी पाई जाती है, इंटरमीडिएट जो होता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर भी पाया जाता है, ध्यान दीजिए डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी स्ट्रक्चर भी इंटरमीडिएट पाई जाती है, और बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों कंडीशन इसमें प्रेजेंट होती है, इंटरमीडिएट होती है दोनों मिक्स समझ लीजिए पाई जाती है। बायरेडियल सिमेट्रीज लैक ऑफ नीटोब्लास्ट आर द करेक्टर ऑफ बायरेडियल सिमेट्री एंड लैक और नीटोब्लास्ट, देखिए बायलेटरी सिमेट्री पाया जाता है एंड लैक द नीटोब्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, द करेक्टर किसका करेक्टर है, जैसे बायरेडियल सिमेट्री पाया जाता है और लैक ऑफ नीटोब्लास्ट में नहीं पाए जाते हैं, किसका लक्षण है टिनोप्लेना और बीरोर मतलब ये तीनों एग्जाम्पल है, कहते बायरेडियल सिमेट्री और लैक ऑफ नीटोब्लास्ट नहीं पाया जाता है, बायरेडियल सिमेट्री होते हैं टिनोप्लेना और लैक नीटोब्लास्ट पाया जाता है इनमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए व्हाट इज प्रेजेंट द मेजोग्लिया ऑफ टिनोफोरा, मेजोग्लिया के टिनोफोरा में मतलब टिनोफोरा के मेजोग्लिया में क्या प्रेजेंट होता है, व्हिच मेक द लूज लेयर ऑफ सेल, जहाँ जो वहाँ पर लूज लेयर ऑफ सेल बनाते हैं क्या क्या पाए, मेजोग्लिया में जो है क्या क्या पाई जाती है, तो एमीबोसाइट्स पाई जाती हैं मेजोग्लिया में, टिनोफोरा के मेजोग्लिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो एमीबोसाइट्स पाए जाते हैं, इलास्टिक सेल्स पाए जाती हैं, नर्व सेल्स मसल सेल्स पाए जाते हैं, ऑल ऑफ अबव मतलब सभी सेल्स पाए जाते हैं, एमीबोसाइट सेल पाए जाती है मेजोग्लिया में, टिनोफोरा के मेजोग्लिया में जो है एमीबोसाइट सेल्स पाए जाती है, इलास्टिक सेल्स पाए जाती है, नर्व सेल्स पाए जाती है, मसल सेल्स पाए जाते हैं, ऑल अबव सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हिच इज एब्सेंट इन टिनोफोरा में, टिनोफोरा में क्या एब्सेंट होता है, नीटोब्लास्ट एब्सेंट होता है, मैंने बार बार बताया कि नीटोब्लास्ट इसमें क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। सिमेट्री ऑफ टिनोफोरा इज जनरली सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री ऑफ टिनोफोरा में किस प्रकार की पाई जाती है, बायरेडियल पाई जाती है रेडियल सिमेट्री बायलेटरल नहीं पाया जाता है ना रेडियल पाया जाता है, तो बायरेडियल दोनों मिक्स
बाइलेटरल और रेडियल दोनों सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं इसको। बाई रेडियल ना बाइलेटरल ना रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, इसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। तो बाई रेडियल बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री दोनों मिक्स पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट दोनों मिक्स जो होता है सिमेट्री पाई जाती है, इनमें दोनों मिक्स सिमेट्री पाई जाती है। टीनोफोरा आर फाउंड इन, टीनोफोरा कहाँ पाया जाता है भाई, फ्रेश वाटर में पाया जाता है कि एरियल हैबिटेट पाया जाता है, हवा में तो पाया जाएगा, टेरेस्ट्रियल पाया जाएगा, मैरिन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मैरिन में। टीनोफोर जो होता है कहाँ पाया जाता है, मैरिन में पाया जाता है। टीनोफोर इंक्लूड सी वेलनेट, टीनोफोर में क्या पाया जाता है, सी वेलनेट, सी वेलनेट टीनोफोरा में पाया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेनस गर्डल, किसे वेनस गर्डल कहते हैं, वेनस गर्डल किसे कहते हैं, वेलेना वेलेमेन वेलमेन वेलामेन वेलामेन को क्या कहते हैं, वेनस गर्डल कहते हैं, वेलामेन को वेनस गर्डल कहते हैं, वेलामेन को। देखिए वेनस गर्डल किसे कहते हैं, वेनस गर्डल जो होता है वेलामेन को कहते हैं, वेनस गर्डल किसे कहते हैं, वेलामेन को वेनस गर्डल कहते हैं। फाइंड आउट द टीनोफोरा, टीनोफोरा में क्या, टीनोफोरा में कुछ लार्वा है, फाइंड आउट द टीनोफोरा, ये टीनोफोरा में कौन कौन से पाए जाते हैं, वेलामेन पाए जाते हैं, बीरो पाया जाता है, टीनोप्लाना पाया जाता है, टीनोप्लेना टीनोप्लेना वेलामेन वीरो, ये किसमें पाए जाते हैं, टीनोफोरा में पाए जाते हैं। टीनोफोरा आर क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल दोनों एक इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जैसे हम मोनोसियस भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस भी कहते हैं। मोनोसियस मीन्स भी क्या होता है, मेल और फीमेल एक में पाया जाए। डायोसियस मीन्स क्या होता है, जब मेल और फीमेल दो अलग इंडिविजुअल में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स समझे, हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है कि जब वो एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाए। तो टीनोफोरा क्या होता है, टीनोफोरा इंडिविजुअल जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक इंडिविजुअल में दोनों प्रेजेंट होता है। इन टीनोफोरा रिप्रोडक्शन अकर ओनली बाई, कहा जा रहा है कि टीनोफोरा में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, मतलब किस प्रकार का होता है, तो सेक्सुअल मीन्स सेक्सुअल के द्वारा ही होता है, ना तो ए सेक्सुअल ना तो वेजिटेटिव किसी प्रकार का नहीं, सेक्सुअल के द्वारा ही इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, केवल वनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। लार्वल स्टेज इन टीनोफोरा डेवलप इन किस में होता है, लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट टीनोफोरा में कहाँ होता है, साइडीपाइड, देखिए साइडीपाइड, साइडीपाइड में लार्वा डेवलपमेंट होता है, इनमें लार्वा का डेवलपमेंट साइडीपाइड, साइडीपाइड में जो है लार्वा का डेवलपमेंट होता है। द टर्म टर्म आर रिफर ए टर्म डेट रिफर टू निडेरिया सिलेंटेटा निडेरिया एंड द टीनोफोरा इज, एक टर्म जो है रिफर करता है, दोनों को रिफर करता है, निडेरिया और टीनोफोरा दोनों को रिफर करता है, तो कौन है, रेडियल रेडिएट, रेडिएट जो है ना तो बाइलेटरल रेडिएट सिमेट्री जो होता है दोनों में पाया जाता है, निडेरिया और टीनोफोरा में दोनों पाया जाता है, तो इसमें रेडियल सिमेट्री जो होता है तीनों में। द टर्म डेट रिफर दोनों निडेरिया और टीनोफोरा में कौन सा टर्म रिफर करता है, रेडियल सिमेट्री जो जो है इसमें रिफर करता है। अगले क्वेश्चन की बात हो हम करेंगे, करते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर इन किसमें पाया जाता है, किसमें जो दोनों प्रकार का इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, तो सिलेंटेटा में पाया जाता है और टीनोफोरा में पाया जाता है। बोथ द सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा दोनों में एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। टीनोफोरा हैव सिमिलरिटीज विथ मेंबर ऑफ, टीनोफोरा हैव सिमिलरिटी किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, तो पोरीफेरा के साथ नहीं, आर्थोपोडा के साथ नहीं, एनिलिडा के साथ नहीं, सिलेंटेटा के साथ जो है सिमिलरिटी दिखाता है। टीनोफोरा हैव सिमिलरिटी विथ मेंबर ऑफ किसके किस मेंबर के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, तो सिलेंटेटा के साथ दिखाता है, ना कि पोरीफेरा ना कि आर्थोपोडा ना कि एनिलिडा, तो किसके साथ सिमिलरिटी दिखाता है, सिलेंटेटा के साथ जो है टीनोफोरा जो है सिमिलरिटी दिखाता है। टीनोफोरा डिफर फ्रॉम, टीनोफोरा जो होता है डिफर करता है, भिन्नता उन पर टीनोफोरा भिन्न होता है फ्राम सिलेंटेटा इन हैविंग, सिलेंटेटा से किस प्रकार भिन्न होता है, तो टीनोफोरा में बाई रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, निकट बॉडी जो होता है बाई रेडियल सिमेट्री होता है। इस प्रकार से टीनोफोरा जो होता है किससे भिन्न होता है, सिलेंटेटा से भिन्न होता है। इन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ, एक डायग्राम दिया गया है इसमें एग्जाम्पल किसका है, तो टीनोफोरा का है, एंड इस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। समुद्री अखरोट बिलोंग टू फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं, तो समुद्री अखरोट जो होते हैं किस में आते हैं, टीनोफोरा, टीनोफोरा में समुद्री अखरोट आते हैं।
अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। समुद्री अखरोट को कामजेली के नाम से भी जाना जाता है। ये जंत हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें स्वनिषेचन की क्षमता होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से फाइलम टीनोफोरा के जितने भी क्वेश्चन थे आपको दिए गए। यदि आपको अपने एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगा हो प्यारे दोस्तों, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जितने भी वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे और आप उसे लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ थैंक यू प्यारे दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।